तो अगर आप लोग YouTube Shorts बनाना चाहते हो सिर्फ अपने स्मार्टफोन की हेल्प से, तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कैसे आपको अपने स्मार्टफोन की हेल्प से स्मार्टफोन की हेल्प से YouTube Shorts बनाने, और इसी की हेल्प से आपको सारी चीजें करनी है, मतलब अपलोड करने से लेकर टाइटल लिखने से लेकर सारी चीजें अपने स्मार्टफोन से कैसे कर सकते हो, कैसे YouTube Shorts बनाने, इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि YouTube Shorts होता क्या है और इसको बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। और YouTube Shorts क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्राइवेट में दे दूंगा, अगर आप उसको वॉच करना चाहते हो कर सकते हो। YouTube Shorts और YouTube Shorts फंड दोनों चीजें क्या होती है उसमें बता रखा है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। रिक्वायरमेंट की क्या बात है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगर आप YouTube Shorts बनाना चाहते हो तो आपकी वीडियो की मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 60 सेकंड्स। अगर वो ऊपर होती है तो नॉर्मल वीडियो की कैटेगरी में आ जाएगी, सिंपल यूट्यूब वीडियो होती है उस कैटेगरी में आ जाएगी, शॉर्ट्स की कैटेगरी में नहीं रहेगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी वीडियो वर्टिकल में होनी चाहिए। वर्टिकल मतलब 9:16 में होनी चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो 9:16 होनी चाहिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये 16:9 है, अगर इसको हम घुमा दे रोटेट कर दे तो 9:16 हो जाएगा। तो ये आपकी शॉर्ट वीडियो के लिए, शॉर्ट्स के लिए होना चाहिए 9:16 और 60 सेकंड से कम की लेंथ होनी चाहिए। अब जानते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो बनानी कैसे। रिकॉर्डिंग मैंने ओपन कर ली। अब आपको पहली चीज ये करनी है, YouTube एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। YouTube एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्लस का साइन आ रहा है मेरे नीचे, इस पर मैं क्लिक करूंगा, आपका ऊपर आ सकता है, हो सकता है राइट में, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव, ये मेरे को मिल रहा है स्टोरी ऐड करने के लिए, और क्रिएट अ शॉर्ट ये भी आ रहा है। अगर आपके उसमें नहीं आ रहा है तो अपना YouTube ऐप जो है एप्लीकेशन उसको अपडेट कर लो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से फिर भी नहीं आता है तो अभी बीटा वर्जन में, हो सकता है कुछ टाइम बाद आ जाए। क्रिएटर शॉट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले ऊपर आता है फ्लिप का ऑप्शन, मतलब कैमरा, फ्रंट कैमरा यूज करना चाहता हूँ, बैक कैमरा यूज करना चाहता हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो आता है वो है स्पीड का ऑप्शन, अगर मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ 2x, 3x, 0.5x कम करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके बाद थर्ड चीज जो आती है वो है टाइमर। टाइमर में क्या है, अगर आप ट्रैपॉड पे ऐसे फोन सेट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा दूर अपने टाइमर सेट किया, सिंपल जैसे फोटोज के लिए यूज करते हैं वैसे वीडियो के लिए, शॉर्ट्स के लिए। फोर्थ चीज यहाँ पर फिल्टर, फिल्टर अगर आपको फिल्टर यूज करना चाहते हो कोई भी फिल्टर कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी भी कम और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन क्या है, अगर आप बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो या फिर कोई प्लेन बैकग्राउंड है आपका, तो वो डिटेक्ट कर लेगा और आपके बैकग्राउंड में कोई भी इमेज डाल सकते हो आप। जैसे मेरी गैलरी में कुछ इमेजेस पड़ी है, मैं इनमें से कोई भी एक चूज करूंगा तो मेरे बैकग्राउंड में कुछ इमेज आ गई, ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर दो ऑप्शन और मिलते हैं। सबसे पहले 15 सेकंड्स यहाँ पर लिखा है 15, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो 60 हो जाएगा। दो डिफरेंस है, 15 सेकंड्स के आप शॉर्ट बना सकते हो, 60 सेकंड्स का बना सकते हो, लेकिन 15 सेकंड्स वाले में क्या है आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं म्यूजिक ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे 15 सेकंड्स अगर मैं करता हूँ, ठीक है, ऐड म्यूजिक, कोई सा भी म्यूजिक ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। वहीं अगर मैं 60 सेकंड्स की बनाता हूँ, ऐड म्यूजिक करूंगा, कोई भी म्यूजिक ऐड करूंगा तो वो ऐड अप टू रिकॉर्ड अप टू 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड्स तक ही ऐड होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप YouTube Shorts में खुद को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो मुझे शॉर्ट वीडियो डालनी भी है, शॉर्ट्स डालने भी है, अर्निंग भी करनी है उससे, लेकिन मैं खुद को शूट नहीं कर सकता, खुद की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं खुद की ऑडियो दे सकता हूँ, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताना चाहता हूँ YouTube Shorts बनाने का और उससे अर्निंग भी करने का, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। इस तरीके में क्या है, आपको सिंपल सा एक स्क्रिप्ट बनानी है, मतलब पूरा एक आर्टिकल बनाना है, उसके बाद एक सिंपल सा टूल है जिसका नाम है इन वीडियो। इन वीडियो में क्या है, आपको एक टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन मिलता है, वहां पर जाके आप पूरा आर्टिकल अपना डालोगे, उसके बाद क्या होगा, पूरा आर्टिकल या फिर फैक्ट्स जितने भी होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देगा वीडियो के फॉर्म में, मतलब आपको आपके टेक्स्ट को वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप फिर बाद में शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पर। ये बहुत ही आसान तरीका है यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने का, कुछ सेकंड लगते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी बना के दिखा रखा है आपको, अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अगर आप इन वीडियो को ट्राई करना चाहते हो तो नीचे उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका यूट्यूब शॉर्ट्स और उससे अर्निंग करने का। तो अब हम लोग सब समझ चुके हैं क्या टूल्स मिलते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, अब मेन पार्ट आता है कि कैसे शॉर्ट वीडियो बनानी है अपने को। शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की मेन जरूरत है। सबसे पहली जरूरत आपका कैमरा, जो आप स्मार्टफोन का यूज कर सकते हो, अगर आप बैक कैमरा यूज करोगे तो ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी, फ्रंट कैमरा यूज करोगे तो आप खुद को देख सकते हो, ये बेटर है। दूसरी चीज आपका माइक्रोफोन, ऑडियो, ऑडियो के लिए आप स्मार्टफोन की ऑडियो भी यूज कर सकते हो, इसका जो इंटरनल माइक है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप एक्सटर्नल यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। तीसरी चीज आपकी लाइट, लाइट कैसे यूज कर सकते हो, दो लाइट है, नेचुरल लाइट या फिर आपकी आर्टिफिशियल लाइट। अगर आप अंदर शूट करते हो तो आप अपनी जो भी लाइट है, रिंग लाइट हो चाहे कोई भी लाइट हो, उसको अपने 45 डिग्री के एंगल पर रख लो, वो ज्यादा बेटर क्वालिटी देगा। आपके लेफ्ट में या राइट में ज्यादा लाइट पड़ेगी और थोड़ा दूसरी साइड पे थोड़ा सा डार्क रहेगा, वो ज्यादा अच्छा दिखता है। और दूसरी अगर आप आउटडोर में कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपने पूरी शॉर्ट वीडियो बना ली है अपनी, अब उसको अपलोड करने की बारी है। टाइटल वाइटल यहाँ पर
YouTube एप्लीकेशन ओपन करना है। YouTube एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्लस का साइन आर इस पर क्लिक करना है। क्रिएटर शॉर्ट का जो ऑप्शन है वहीं पर जाना है अपने को। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो स्टार्ट न्यू, आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो शॉर्ट वीडियो, लेकिन अगर आप अलग से बनाइए, आपने एडिट करिए प्रॉपर अपने किसी एप्लीकेशन से, उसके बाद अपलोड करना है तो गैलरी में जाके आपको चूज करनी है अपनी शॉर्ट वीडियो। ये 53 सेकंड की वीडियो, मैं इसको चूज करूँगा, 15 सेकंड्स मैक्स आ रहा है, मैं बैक कर लेता हूँ और इसको 15 से 60 कर देता हूँ अगर मेरी ज़्यादा है, क्योंकि 15 से, तो मैं इसको चूज करूंगा और उसके बाद ऐड पे क्लिक करूंगा। अपलोड होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। अब यहाँ पर अपलोड होने के बाद अपने पास चार ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले म्यूजिक अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, यहाँ से टाइमलाइन में अगर एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और लास्ट ऑप्शन फिल्टर्स, वापस से फिल्टर्स ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जब सब कुछ फाइनल लगे नेक्स्ट पे क्लिक करना। तीन ऑप्शन आ रहे हैं अपने पास, अब टाइटल आपकी वीडियो का अनलिस्टेड है, पब्लिक है या फिर प्राइवेट। थर्ड ऑप्शन इट्स मेड फॉर किड्स या फिर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, यहाँ पे आपको अपना टाइटल डालना है। दूसरे में आप जब आप पब्लिक करना चाहते हो पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट करना चाहते हो प्राइवेट, अगर किसी को लिंक शेयर करना है तो अनलिस्टेड करके कर सकते हो। इसके बाद लास्ट ऑप्शन मेड फॉर किड्स या फिर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स चूज करना ज्यादा टाइम अगर बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, बैक करते हैं, उसके बाद सिंपल से अपलोड के बटन पर क्लिक करना, अपलोड हो जाएगी आपकी शॉर्ट वीडियो और उसके बाद व्यूज अगर अच्छी होगी तो। बस फिर सिंपल है, ये है आसान सा तरीका YouTube शॉर्ट्स बनाने का। उसके बाद आप एडिट कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन की हेल्प से, काइनमास्टर, प्रीमियर, अडोबी रश और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिनकी हेल्प से आप एडिट कर सकते हो। उसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हो, उसमें ऑडियो ऐड कर सकते हो, अलग टाइप के साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो और उसको बेटर बना सकते हो। तो ये था हमारा आसान सा तरीका YouTube शॉर्ट्स बनाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो में टाटा।